इस भैया को सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत अच्छे है। बहुत भारी डीप जंगल है, बहुत दूर से चला आ रहा है ये। ये देखिए आप, हाथ दर्द होने लग गए मेरे, ये रेड रेड हो गए भाई, ताकत लगने देते हैं भाई। कोलकाता लगभग 100 किलोमीटर से भी, हाँ 100 किलोमीटर होगा यहाँ से। बंगाल में आके काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप सभी से भी यही कहना है। राम राम भाई सभी दोस्तों को। और दोस्तों कल आपको बताया जैसे कि हम रुके थे राजस्थानी ढाबे पे, और यहाँ पे रुका हूँ मैं राजबंद में। और राजबंद में ये देख सकते हो, ये है वो ढाबा, और इसी जगह रुका था। तो इधर अभी खाना पे चाय वाय पी है, रात का खाना पीना जो हुआ है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, वो भी भाई साहब हमारे जोधपुर के ही थे तो यहीं। और ये जो सारी गाड़ियाँ देख रहे हो, ये सारी देख सकते हो, ये सारी राजस्थानी गाड़ियाँ हैं। तो इधर ही मैं रुका था, गूगल मैप पे सर्च करके आया था कि राजस्थानी ढाबा का है, तो यहीं मैं रूम में रुका था, नहा धो के ऑलराइट से। अभी धूप निकल चुकी है, लगभग 8:30 प्लस हो चुके, 8:45 होने वाले हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ राइड को करूँ कंटिन्यू। आज का 100 किलोमीटर प्लस हमें क्रॉस करना है, क्योंकि 170 किलोमीटर यहाँ से कोलकाता है, तो आज नहीं तो कल हम कोलकाता पहुँच ही जाएंगे। सो लेट्स अभी राइड को करते हैं कंटिन्यू और चलते हैं जल्दी से। आज देख सकते हो आप, आज थोड़े बादल आ रखे हैं कोलकाता में, मतलब कि बाकी कल तो कड़क धूप था, लेकिन आज भी ये धूप थोड़ी देर में बदल जाएगी। अभी 9 बजे हैं और धूप का जो आप देख सकते हो असर कितना भयंकर है, अभी देखना थोड़ी देर में हैवी धूप हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से कोलकाता लगभग 160 किलोमीटर है, 55 या 60 के लगभग। और आज थोड़ी मेरी हालत ख़राब हो रही है, मेरे को क्या जुकाम लगा है, तो मेरा क्या सही सेटलमेंट नहीं बैठ रहा है, अधूरा सा पर लग रहा है। अभी नाश्ता करना ज़रूरी है, एनर्जी नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि आज चला जाएगा। और नहीं, और नाश्ते का कुछ दिख भी नहीं रहा है मेरे को, समोसा फमोसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ खाने की होटलें दिख रही है, लेकिन मेरे को खाना नहीं खाना, अभी नाश्ता ही करना है। और आप देख सकते हो ये एक बहुत भारी डीप जंगल है, बहुत दूर से चला आ रहा है ये। ये देखिए आप, यह है वेस्ट बंगाल में, और इधर देखो तारबंदी कर रखी है, और पूरा अंदर से मतलब एक डीप जंगल है ये, और दूसरी साइड में भी है, लेकिन उधर ज़्यादा नहीं है, उधर छप्पर बना हुआ है देखो। इधर अब इधर जानवर है या नहीं इसकी पुष्टि तो मैं कर नहीं सकता, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जंगल काफ़ी है। झारखंड से स्टार्ट हुए हैं जंगल जंगल दिखना, तो अभी तक जंगल दिख रहे हैं बहुत खतरनाक खतरनाक से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी हम बंगाल में राइड कर रहे हैं, और बंगाल में राइड करते वक्त ये सर मिले मुझे। हेलो सर, क्या नाम है आपका? शंभुनाथ पाल। चिन्मय पत्र, नमस्कार। कहाँ से हो आप? हम लोग बंगाल से हैं, दुर्गापुर में। अच्छा, तो ये सर जी मिले हैं, इन्होंने मुझे 2 बिस्किट भी दिए हैं, और क्या था सर? केक था, तो वो केक कभी खाए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा कि बंगाल में आके काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आप सभी से भी यही कहना है कि आप भी आइएगा, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आज देखिए ज़्यादा धूप नहीं है, बादल बादल हो रखे हैं, और ये हाईवे है हमारा, देखिए साइड में देखिए ये तो खाली मैदान मिला हुआ है, और ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन फिर भी आज मेरा थोड़ा तबीयत ऐसा ही लग रहा है मेरे को। अब हो चुकी है मुसीबत स्टार्ट, हल्की फुल्की हुई है, वैसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मौसम आप देखिए ऐसा है, और 2-4 छांटे पड़े तो हैं मेरे हाथों पे, अब पता नहीं बारिश भी आ सकती है या नहीं। अब धूप निकल गई है, अभी जस्ट प्रेजेंट कड़क धूप निकली है, और छांटे भी अभी पड़े हैं, तो देखते हैं अगर बारिश होगी तो थोड़ा माहौल ख़राब हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आप देखिए घर, ये झोपड़ी से मकान है भाई, ये देखिए आप पूरे में ऐसे, और पक्के घर भी हैं इधर, लेकिन ऐसी झोपड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है। कल से मैं बंगाल में एंटर हुआ, तो कल से अभी एक ही चीज़ देखने को मिली है, ये देखिए आप कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, ये देखिए दोनों साइड में ये काम चल रहा है भाई, और थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है, गाड़ी इतनी फास्ट से निकलती है एकदम से झपट करनी झपट से, देख लो इधर कितना काम चल रहा है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे घर भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, ये झोपड़ी वाला है, ये देखिए। तो दोस्तों आज लगभग अभी मैंने 50 किलोमीटर की राइड कंप्लीट की है, 12 बजे की है, तो 9, 10, 11, 12 3 घंटे में 50 किलोमीटर की राइड कंप्लीट की है, और अभी 50 किलोमीटर और चलना है, इससे ज़्यादा नहीं चला जाएगा। आज थोड़ी हालत बुरी लग रही है मुझे, वीक लग रही है, इस वजह से साइकिल को वो खड़ा किया है वहाँ पे बाहर, और खाना खाने में रुके हैं अभी, तो भी जल्दी से खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी खाना खाया था होटल पे,
और खाना खा के अभी निकल चुका हूँ वापस। बस पनीर लिया था लेकिन वो भी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था, एकदम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मीठा सा लग रहा था, तो मज़ा नहीं आया खाने में। मतलब जो राजस्थानी खाना होता है तो वो तो वही होता है। अब इधर खा तो लिया है क्योंकि भूख लग रही थी बहुत भयंकर वाली, तो क्या ही करें, ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। दोस्तों आप मैंने जो ये पास में देख रहे हो ये खाई नहीं है, मतलब उधर भी ऐसी ये खाई नहीं है, इसमें पानी भरा हुआ है भाई पानी, ये आप देख सकते हो जैसा कि चमक मार रहा है, उधर भी अब पानी है ये देखिए। तो ये नॉर्मल बात है, बंगाल में आने के बाद में मैंने ये नॉर्मल सा देखा है कि इधर पानी ऐसी भाई धारिया की धारिया, मतलब कि ये गैलरिया बनी हुई है, बहुत पानी पानी है, बहुत सारा, बहुत सी जगह तो बड़े बड़े खेत भरे हुए थे। यहाँ पे ये रेलिया क्या बोलते हैं यार इनको, जो भी बोलता हो आप समझ जाओ जिन हिसाब से, तो यहाँ पर पानी की वैसे कोई कमी नहीं है जहाँ तक देखा जा रहा है। हो सकता है ये बारिश का पानी हो, क्योंकि वो देखो छोटा सा गड्ढा भर रखा है इस वजह से, अगर बारिश आई हो तो, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई होगी तो ये परमानेंटली भरा हुआ होगा। अगर जो भी अगर इससे बेटर और दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ भाई। कोलकाता लगभग 100 किलोमीटर से भी, हाँ 100 किलोमीटर होगा यहाँ से, और लगभग 2 बज चुके हैं, और बंगाल में राइड करने में इतना दिक्कत हो रहा है, मतलब कि ये आप देख सकते हो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये देखिए, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन भाई साहब इतने सारे चल रहे हैं, इतने ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, मैं बहुत परेशान हो गया। इधर से उधर लेफ्ट राइट, और गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ निकलती है भाई कितनी दिक्कतें होती है, मतलब छोटी गाड़ियों को जगह ही नहीं मिलती है, ये तो बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं, और हाथ दर्द होने लग गए मेरे, ये रेड रेड हो गए भाई, ताकत लगने से मेरे को ग्लव्स लेने होंगे। और देख सकते हो ये मौसम जो कि ये रहा ऐसा हो रहा है ख़राब, और थोड़ा माथा भी दर्द होने लग गया मेरा। तो चलो चलते हैं अभी आगे। दोस्तों अभी हम चल रहे थे आगे, तो सामने पीछे से दो भाई लोग आए हैं, ये देखो दो। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। और आपका? रूपम। ये दोनों भाई से अभी मिले हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा ये मुझसे मिलने के लिए इधर आ गए हैं, थोड़ा सा दूर थे तो काफ़ी अच्छा लगा। भाई अब जल्दी से एक बात बोल दो, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भैया को सब्सक्राइब भी कर लो ना। वापस बोलो। इस भैया को सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत अच्छे हैं। भाई एक बात तो आपने सुनी होगी कि बच्चे मन के सच्चे, अभी दो बच्चे मिले हैं भाई, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी देर तक मैंने बात की उनसे, दिल खुश हो गया मेरा। और यहाँ पे ये टोल प्लाजा वो देखो, तो अभी चलते हैं जल्दी से आगे, और देखते हैं कोलकाता लगभग 100 किलोमीटर के अंडर है, तो ज़्यादा नहीं चलेंगे। दोस्तों लगभग 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट है और शाम हो चुकी है लगभग, आप देख सकते हो सूरज भी अस्त होने वाला है, और अब ढूंढ रहे हैं ठिकाना रुकने का, लेकिन राजस्थानी ढाबा नहीं मिल रहा है आज, क्योंकि वो नियर बाई नहीं है, दूर है। और यहाँ पे आप देखिए भाई प्रदूषण की तो ऐसी, मतलब एनवायरनमेंट की तो ऐसी की तैसी, इधर कितना कचरा हो रखा है ये देखिए आप, ये देखिए इसका बहुत खतरनाक वाला भाई। सबसे सिर्फ एक ही विनती है, बंद करो ये प्रदूषण करना, ना ये इन्वायरमेंट को जितना गंदा करोगे ये हमारे लिए हानिकारक है, अभी बता रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, अब मेरा स्टे हो चुका है, मेरे को एक मतलब जगह मिली थी 36 किलोमीटर दूर उधर जाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश तो की मैंने 10 किलोमीटर चल के, लेकिन इधर अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा था बहुत स्पीड से, तो मुझसे जाया नहीं गया था। और फिर पास ही में एक मतलब ढाबा मिला है, ये आप देखिए यहाँ पे, तो इसी ढाबे पे मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था इधर रुकने के अलावा, क्योंकि उधर 26 किलोमीटर राइड करना वो भी इस लेट नाइट में, आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है, तो दिक्कत थी बहुत रिस्क थी। तो मैं रुक चुका हूँ इस ढाबे पे, और आज का स्टे यहीं, और खाना पीना भी यहीं करेंगे भाई, ठीक ठाक है, लेकिन मच्छरों की से बहुत हालत ख़राब हो सकती है, तो देखते हैं क्या करते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में।